हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आपका स्टीयरिंग बॉक्स क्यों जाता है। मैं तीन टॉपिक बताऊंगा, आप उसको अच्छे से देखिए और समझिए। एक भी मिस कर दीजिएगा तो फिर ये वीडियो किसी काम का नहीं। आपका स्टीयरिंग बॉक्स क्यों जाता है, मैं पहला बात, आप तो जब रफ रोड में जाते हैं तो अपने गाड़ी को स्लो से चलाएं और 20 से 25 के स्पीड में ही चलाएं। फास्ट में आप जाते हैं तो आपका स्टीयरिंग बॉक्स क्या होता है, वो धर 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 साउंड आता है, जिससे उसका अंदर बूस होता है। वो बूस वीक होने की वजह से आपके स्टीयरिंग बॉक्स में साउंड आता है। और दूसरा फॉल्ट क्या है, और दूसरी बात, जब आपका सस्पेंशन वीक हो तो उसको धीरे धीरे करके उसको रिपेयर करवा लेना चाहिए। क्या होता है, जब आपका सस्पेंशन वीक रहता है तो आप उसी में वीक में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो सस्पेंशन वीक जब हम सस्पेंशन वीक में जब गाड़ी को चलाते हैं तो ऑलरेडी पहले से सस्पेंशन मेरा वीक रहता है और उसी वीक की वजह से दोनों में कनेक्ट होता है और जो वीक नहीं रहता उसको भी वीक करा देता है। अब समझिए, जो स्टीयरिंग बॉक्स होता है, स्टीयरिंग बॉक्स आपका अच्छा है, क्या भी साउंड क्या भी नॉइज नहीं आ रहा है, आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से चलते चलते किसी गड्ढे में मार पड़ गए, अब टक करके साउंड आता है, उसी से क्या होता है, बार बार जब ऐसा होगा तो आपका स्टीयरिंग बॉक्स का बूस वीक हो जाएगा, जिससे आप गाड़ी चलाइएगा रफ रोड में, 20-30 या स्लो मोशन में भी चलाइएगा तो आपका गाड़ी का साउंड आएगा। कैसा साउंड आता है, धर 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 करके साउंड आता है स्टीयरिंग में। फिर आप मैकेनिक के पास आते हैं, कहते हैं देखिए मेरा स्टीयरिंग बॉक्स चला गया। इसीलिए ये तीन मैं टॉपिक बताया हूँ जिससे आपका स्टीयरिंग बॉक्स अच्छा रहेगा, लाइफ टाइम बहुत ही अच्छा चलेगा और आपका सस्पेंशन भी अच्छा रहेगा। और रही व्हील अलाइनमेंट की बात, व्हील अलाइनमेंट आपको 2-3 सर्विस छोड़ छोड़ के व्हील अलाइनमेंट चेक कराना चाहिए। व्हील अलाइनमेंट चेक कराने से क्या होता है, आपका बैलेंसिंग बना रहता है और आपका गाड़ी का जो टायर होता है फ्रंट दोनों व्हील राइट और लेफ्ट, वो दोनों कंडीशन में रहता है, स्टेट में रहता है। जब भी आप कहीं पे गाड़ी चलाने जाते हैं तो जिधर थोड़ा यूटर्न करते हैं उधर अच्छे से यूटर्न होता है, क्योंकि जब व्हील अलाइनमेंट आपका रॉन्ग रहेगा तो दोनों साइड का टायर खाएगा और टायर खाने की वजह से आपका सस्पेंशन वीक होगा। सस्पेंशन वीक होगा तो आपका बॉल ज्वाइंट जाएगा, बॉल ज्वाइंट गया तो फिर स्टीयरिंग बॉक्स में साउंड आता है। चलिए इसी वीडियो पर बने रहिए, तब तक मेरे पास एक इंडिका आया है, उसको खोलते हैं स्टीयरिंग बॉक्स, फिर आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या फॉल्ट है। तो ये इंडिका है, इसका स्टीयरिंग बॉक्स चला गया, चलिए खोलते हैं फिर दिखाते हैं इसमें क्या क्या खोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्टीयरिंग बॉल ज्वाइंट खोलना पड़ेगा और बॉल ज्वाइंट खोलने के बाद इसका ऑयल डाउन करते हैं। पावर स्टीयरिंग ऑयल डाउन करने के बाद खोलते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं क्या क्या खोलना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये पाइप दो दिख रहा है, ये पावर स्टीयरिंग का अंदर जाता है, ऑयल सर्कुलेशन करता है। इसको पहले खोलेंगे बोल्ट के और पाइप को, फिर ऑयल डाउन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वजह से यहाँ से पंप के बोल्ट खोल दिया, यहाँ से ऑयल डाउन कर लिया, अब इजी रहेगा। देखिए ये पावर स्टीयरिंग ऑयल है, ये पंप है। देखिए यहाँ से हम लोग पाइप को रिमूव कर दिए, यहाँ से ऑयल आ रहा है। अब चलिए पावर स्टीयरिंग की ये बोल्ट खोलते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन पे, ये वाला इसको खोलते हैं फटाफट और स्टीयरिंग बॉक्स बाहर निकालते हैं। ये पावर स्टीयरिंग का दोनों पाइप खुल गया, अब इसको बाहर निकालते हैं पावर स्टीयरिंग को। ये पावर स्टीयरिंग हमने बाहर निकाल दिया, चलिए इसमें फॉल्ट दिखाते हैं आपको। पावर स्टीयरिंग है, इसमें फॉल्ट दिखाते हैं आपको किधर है, क्या होता है जब पावर स्टीयरिंग ख़राब होता है। तो ये गाड़ी का पावर स्टीयरिंग है, इसमें देखिए क्या हुआ है, इसके अंदर बूस आता है, वही बूस चला गया है। ये देखिए कितना प्ले हो गया, इतना प्ले नहीं रहता है, ये फुल हार्ड रहता है। रफ रोड में जब हम लोग जाते हैं गाड़ी चला के, फुल धर 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 साउंड आता है। ये जो गाड़ी में से निकाले ये है और ये सेकंड हमने मार्केट से मंगवाया, ये गाड़ी में डालते हैं फिर देखते हैं चला के। देखिए ये सेकंड्स है और जो गाड़ी में से निकाले वो है। चलिए फिर इसको डालते हैं गाड़ी में, फिर दिखाते हैं कि कैसा है चलाने में।